सुबह हो गई है और सुबह होते ही मेरे अपार्टमेंट में ही जिम है। जिम के बाद स्विमिंग, स्विमिंग से पहले धूप थोड़ा ले लें और यहाँ से क्या क्या नज़र आता है वो दिखा देंगे आपको। ये थर्ड फ्लोर पे है, वैसे यहाँ से आपको बाहर का भी नज़ारा नज़र आता रहेगा। इसके चारों तरफ यूनिवर्सिटी, पार्किंग भी है बाहर। इस अपार्टमेंट का ही फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी, स्विमिंग पूल के साथ साथ स्ट्रीम शाना बाथ, और नीचे उतर जाओ तो बियर बार, सारे बियर बार मिल जाएंगे आपको। और अपार्टमेंट से बाहर थोड़ी देर घूम रहे हैं, काम तो है नहीं खा में घूमने का, तो अभी सिटी सेंटर में अरे पता भी नहीं था कि कैमरे को इतनी जल्दी नहीं घुमाते हैं। और फ्री में डांस करना है तो यहाँ पे आ जाओ, पार्टनर भी आपको फ्री में ही मिल जाएगा। आपको डांस अच्छा करना आना चाहिए, बस आपको पार्टनर यहीं पे मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है इंडिया की तरह। एनीवे अभी फिर सिटी सेंटर बाहर घूम रहा है, ये सिटी ऐसी नज़र आ रही होगी आपको। डॉलर थोड़ा खर्च करो तो आपको, अभी नेक्स्ट डे जा रहे हैं विस्लर,
और कनाडा में विस्लर से सुंदर कोई भी जगह नहीं है और सबसे महंगी जगह मानी जाती है। और हिल स्टेशन कुछ ऐसा है जैसा मसूरी है, मसूरी में थोड़ा गंद है, यहाँ पे साफ़ सुथरे हैं क्योंकि पार्किंग आपको नीचे लगानी है। और जितना आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ की कीमत डबल है जो और शहरों में। विस्लर में आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी क्योंकि एक छोटी सी सिटी है, हिल स्टेशन है, ये पार्किंग है, एक हमारे यहाँ पे पार्किंग होती है, एक इनके यहाँ पे पार्किंग होती है, वो क्या सिस्टम है। सबके ब्लॉक बनाए हुए हैं, आप उस ब्लॉक में खड़े करोगे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब विस्लर पहुँच चुके हैं। इस विस्लर में एक और है कि आपको केबल कार लेके साइकिलें लेके जानी होती हैं। ये पीछे मेरे पीछे डॉग नज़र आ रहे थे, ये 20 मिनट से मैडम का इंतज़ार कर रहे हैं और बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे। अभी फिर खाने का दौर शुरू हो गया, बियर वोडका ये सब चलता रहता है। मेरी लाइफ में शायद यही दुख मुझे झेलने पड़ रहे हैं। इतने पीछे इन्होंने आग का भी इंतजाम किया हुआ है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इनको पता लग गया मैं कपड़े कम पहनता हूँ तो इन्होंने मेरे लिए इंतजाम कर दिया। खैर, इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ही केबल कार थी जिसमें लोग अपनी साइकिलें ले जाते हैं बांध के और वहाँ से ढलान से साइकिलें नीचे उतारते रहते हैं। लेकिन विस्लर अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो इससे सुंदर मुझे कहीं जगह नहीं मिली कनाडा में। काफ़ी स्पेसियस है, आपको कई जगह खुली पार्क में लेटने की, घूमने की, यहाँ पे आपको एक दूसरे को टक्कर मारने की जरूरत पड़ेगी कि जगह नहीं है। मसूरी की तरह ऊपर से कुछ ऐसा नज़र आता है, ये मैंने एक्स्ट्रा वीडियो डाली है। ये काउ आइसक्रीम मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे काउ पे बड़ी कंट्रोवर्सी है और इन्होंने काउ आइसक्रीम रखा हुआ है। बहुत ही पुरानी ब्रांच है जो काफ़ी टाइम से चल रही है और वैसे मैंने देखा है, यूएस में भी देखा है, यहाँ पे भी देखा है, काउस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और स्टैचू वगैरह लगा के रखते हैं। खैर, वापसी जा रहे हैं, फोटो सेशन जो आज मेरे काम आ रही है फोटो। इसके पीछे से साइकिल ट्रैक बना हुआ है जो ऊपर ले जाती है साइकिल। इस जगह है क्यूमिस है, लिख दूंगा आपको अच्छे से पता लग जाएगा। एनीवे, यहाँ पे प्राइवेट पार्टी चल रही थी और मैं इसमें घुस गया हूँ। मेरे दोनों बेचैन आत्मा बाहर रहेगी कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे को पंगे लेने की आदत है। मैं इस प्राइवेट पार्टी में शामिल हो के बियर पी के फुल एंजॉय करके तब निकला हूँ। एनीवे, अब मैं आ गया हूँ हॉर्सू बे है ये, यहाँ पे काफ़ी रिच लोग रहते हैं। ये छोटी सी जगह है, इसके बीच में पानी है और सी है, ये आ गया सी लवर। ये बेस्ट फिश एंड चिप्स है और यहाँ पे आंटी को काफ़ी हाथ पैर जोड़ के उसने हमें फिश दी है। आंटी मेरी एज की है फिर भी मैं आंटी जी बोलता हूँ उनको। आंटी भाई, वापसी घर की तरफ, अभी गाना एंजॉय करें। इंडियन गाने कितने अच्छे लगते हैं ना बाहर जाके। इंडिया में रहो तो इंग्लिश खाने सुनो, बाहर चले जाओ तो इंडियन खाने की और इसकी। अभी हम लोग जा रहे हैं
आज नेक्स्ट डे है और आयन बीच के लिए निकले हैं। इस बीच में कुछ खास तो था नहीं, सिर्फ 7 किलोमीटर पैदल चले हैं। हवा बहुत तेज़ थी और जिनको लॉन्ली पसंद है, जिनको अकेला रहना पसंद है, वो यहाँ पे जा सकते हैं। आपको क्योंकि खुली है बिल्कुल ही हवा, मेरे बाल भी उड़ रहे होंगे और कुछ ऐसा खास था नहीं। अगर पानी और खारा पानी और खुली जगह देखनी है तो ये बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन जिस रास्ते से गए हैं वो काफ़ी अच्छे रास्ते थे।